रफ्तार खबरों का, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, सरकार पर हमलावर हैं। गेस्ट टीचर्स के मामले को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा कर वोट लिया, लेकिन अब उन पर लाठी बरसा रही है। प्रदेश की सरकार पर तानाशाही और अराजक रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए, सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बदर कर रहे हैं, बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है? ये सामाजिक आपातकाल नहीं है तो क्या है? सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे सहयोगी हम पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरह से अतिथि शिक्षकों ने 2 अक्टूबर को धरना दिया था और उनके रोकने की कोशिश में पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ रोकने की कोशिश की, हमने बल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है, कह रही है कि जब तक वोट चाहिए था तब तक वादे किए गए, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश में सरकार बन चुकी है और इसीलिए अब अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है मोहन यादव सरकार, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने यह बयान दिया है। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है आज ग्वालियर आए थे, ग्वालियर से वो विजयपुर के लिए रवाना हुए और विजयपुर रवाना होने से पहले उन्होंने कई तरह से सरकार पर निशाना साधा है और ख़ास तौर पर उन्होंने एमएसपी को लेकर और किसानों से किए गए वादे को लेकर और साथ ही जो आज पूर्व सीएम और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें चाचा नेहरू को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही थी और उसी को लेकर जो है आज काउंटर किया है जीतू पटवारी ने और कहा है कि नेहरू जी ने अपने दौर में बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, विपक्ष को साथ लेकर चलते थे, इसके साथ ही उन्होंने अटल जी जैसे व्यक्तित्व का भी सम्मान किया है, लेकिन आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है धोखा कर रही है, चाहे किसानों की बात हो या चाहे किसी की हो, हर जगह जो है बीजेपी ने अपना जो वादा किया था। लौटूंगी आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अभिनव जी, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने सिर्फ रोकने की कोशिश की थी, लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, कह रहे हैं कि लाठियां बरसा रही है मोहन यादव सरकार। देखिए अपर्णा जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, पुलिस एक बैनर ली हुई थी, उस पर लिखा था कि गोली भी चला सकते हैं, मतलब ऐसा पूरा बैनर जो है साफ साफ बता रहा है कि इनकी नीयत क्या थी। जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा बदतर स्थिति थी। मैं खुद वहां पर जीतू पटवारी जी के साथ जब शाम को गया था, हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी अतिथि शिक्षक वहां मौजूद थे और रात में ठीक जिस तरीके से उस समय की घटना पे भी मेरे को ज्ञात है कि चारों दिशाओं में जिस तरीके से दौड़ाया पुलिस ने, चारों दिशाओं में हर व्यक्ति भाग रहा था और जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठी चार्ज और मार पिटाई चल रही थी, आप अगर वो दृश्य देख लेती तो आपको आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। तो ये बर्बरता बताती है कि यहाँ पर पूरे तरीके से जो तानाशाही मैं लगातार बोलता हूँ वो चल रही है। डरे हुए हैं लोग, अतिथि शिक्षकों से लेके जनता सभी में एक डर व्याप्त है। आज ही डिप्टी रेंजर को माफियाओं ने दौड़ाया खरगोन में, तो स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बद से बदतर होती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है अपर्णा जी कि आप थोड़ा सा मतलब इन बातों का पूछिए बीजेपी के लोगों से। पूछ रहे हैं सर, अजय यादव जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी, किस तरह की तानाशाही है कि अतिथि शिक्षकों पर लाठियां बरस रही हैं और जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं? देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कांग्रेस के नेताओं के झूठ और भ्रम फैलाने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। ना किसी तरह का लाठीचार्ज हुआ है, ना कोई कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश में ये तथ्य है कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी किया है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में तो अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने की तैयारी हो गई थी। मुझे बताइए, वेतन 7,000 से 14,000 और 18,000 किसने किए, इनको नियमित सेवाएं किसने दी,
यहाँ तक कि चयन प्रक्रिया में 25% का आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोलने के अलावा दिया क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं तो कि 15 महीने की सरकार में क्या किया था शिक्षकों के लिए? झूठ मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। मध्यप्रदेश में इसीलिए आपको नकारा विपक्ष माना जाता है। हर जिला मुख्यालय पे अतिथि शिक्षक भ्रम फैला ज्ञापन दिया है। तथ्यों से मुंह मोड़ते मुझे बताइए तो। भाजपा साफ साफ झूठ बोल रही है न्यूज 18 चैनल पर, पूरे तरीके से घबराए हुए इनके प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। नियमित करने का कोई वायदा नहीं था, उसके बाद भी हमने नियमितीकरण का वादा शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, लगातार काम किया। साइन करके देख लीजिए, सुनवाइए इनको, नहीं बदलेंगे नियमितीकरण। ठीक है, ठीक है, लड़ाई करने का समय नहीं है ये। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही इस बातचीत के लिए। सुशील, आपका भी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। खबर जबलपुर से है, जहां स्कूल में छात्र को चाकू मारने का मामला दर्ज किया गया है। इलाज के दौरान छात्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नाबालिग ने छात्र को स्कूल में ही चाकू मार दिया था। आपसी झगड़े के बाद नाबालिग ने छात्र पर यह हमला किया था। पुलिस गिरफ्त में है आरोपी नाबालिग। विवाद के बाद छात्र को चाकू मारा था। कल ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और आरोपी नाबालिग है, पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं जिस छात्र के पेट में चाकू मारा गया था, उस छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। और अब खबर इंदौर से है, जहां चाकूबाजी करने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला। कान पकड़कर ये आरोपी माफी मांगते नजर आए हैं। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इनसे ये स्लोगन बुलाए गए हैं। चोइथराम मंडी में आरोपियों ने चाकूबाजी की थी। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी आरोपी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। किसी के हाथ में प्लास्टर है, किसी के पैर में चोट लगी हुई है। देखिए, कान पकड़े हुए हैं इन्होंने। मंडी में पुलिस ने इनका इस अंदाज में जुलूस निकलवाया है, उठक बैठक तो लगवा दो, देख सकते हैं। तो पुलिस यहां पर इनसे ये कहती हुई भी नजर आई कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो पुलिस गिरफ्त में चारों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरह लड़खड़ाते हुए यहां पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं आरोपी। कान पकड़े हुए हैं, लड़खड़ा रहे हैं। एक के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, एक के पैर में चोट लगी हुई है। तो अपराध करना पाप, पुलिस हमारी बाप। पुलिस गिरफ्त में अब ये चारों आरोपी हैं, इन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका जुलूस निकलवाया गया है और अब ये आरोपी माफी मांग रहे हैं। इंदौर में चाकूबाजी करने वाले इन चारों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्त में लेने के बाद इनका जुलूस निकलवाया गया, जहां कान पकड़कर माफी मांगते हुए ये सभी आरोपी दिखाई दे रहे हैं। चोरी की नीयत से चार बदमाश घूम रहे थे, जिनको एक ट्रक चालक ने देख लिया और उनको जब पकड़ने की कोशिश की तो उनमें से तीन चार बदमाश भाग गए और एक बदमाश ने चाकूबाजी की घटना कर दो लोगों को घायल कर दिया था। हमारी टीम ने उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार काम कर चार लोगों की गिरफ्तारी की है।